मैं शेखर कपूर एक बार फिर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीजन 2 न्यूज टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज। कश्मीर में पिछले 72 घंटों से बर्फबारी जारी है। एवलांच की चपेट में आने से 5 जवान शहीद हो गए हैं। ऐसे में सेना द्वारा गुलमर्ग में सेना के जवानों को बर्फीले तूफान से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कश्मीर में आतंकियों के दांत खट्टे करने के बाद सेना मौसम को मात देने की तैयारी में जुटी है। पहली तस्वीर देखिए, जवान यहां बर्फ का घर बना रहे हैं। दूसरी तस्वीर, जवान बर्फ के बीच स्कीइंग कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर, स्ट्रेचर पर घायल जवान को कैंप में ले जाया जा रहा है। इग्लू यानी कि बर्फ से बने घरों में रहने की जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना को यह ट्रेनिंग इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि पिछले 72 घंटों से कश्मीर में जवानों को बेहद खराब मौसम का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जवानों ने 50 से ज्यादा एवलांच का मुकाबला किया है। एवलांच की वजह से 5 जवानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। बता दें कि ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हैं, जहां सेना के जवानों को हिमस्खलन जैसी आपात स्थितियों का सामना करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही साथ आपात स्थिति में कैसे अपनी और दूसरों की जान बचानी है ये भी सिखाया गया। सबसे पहले जवानों को बर्फ के बीच तैनाती के दौरान डटे रहने के लिए इग्लू बनाना सिखाया गया, जो अंटार्कटिका जैसे इलाकों में बनाया जाता है। अंटार्कटिका विश्व की सबसे ठंडी जगहों में से एक माना जाता है। इग्लू के बाहर एक बोर्ड भी लगाया गया है, जिस पर घर से जुड़ी जानकारी और लोगों के रहने की क्षमता के बारे में भी बताया गया है। इग्लू के बाद जवानों को बर्फ पर तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्कीइंग की ट्रेनिंग भी दी गई। इसके अलावा घायल लोगों की जान बचाने के लिए बर्फ पर पैदल चलने और सही रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रक्रिया भी समझाई गई, क्योंकि बर्फ के बीच वजन उठाकर चलना बेहद मुश्किल होता है। जवानों के लिए ट्रेनिंग का आयोजन गुलमर्ग के HAWS यानी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल द्वारा किया गया था। माउंटेन वॉरफेयर विंटर वॉरफेयर ट्रेनिंग एक जवान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा इंडियन आर्मी 50% ऑफ इंडियन आर्मी इज डिप्लॉयड इन माउंटेन्स। That is, if you talk of Jammu and Kashmir, if you talk of the Kedarnath, Joshimath area, all those areas, central sector, jisko kehte hain, Sikkim ka ilaqa aap le le, ab Arunachal ka ilaqa le le. So actually, if you see 50% of army is deployed there. So therefore, the training which is imparted in mountain warfare or winter warfare is very important for a soldier. भारत में लगभग 50% से ज़्यादा सेना के जवानों की तैनाती पहाड़ी इलाकों में होती है। ऐसे में ये ट्रेनिंग जवानों के लिए बेहद जरूरी है, ताकि ये मुश्किल हालातों का सामना आसानी से कर सके। ये स्टूडेंट्स उन यूनिट से आते हैं या उन टीम से आते हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में इंडक्ट होने वाली हैं। इधर स्टूडेंट सपोर्ट करने के बाद इन्हें हम फर्स्ट वीक हाई एल्टीट्यूड में आने के बाद इन्हें एक्लिमेटाइजेशन फेस में डालते हैं। उस वीक के दौरान इन्हें हम हाई एल्टीट्यूड में होने वाली बीमारियाँ, सिकनेस, इनसे बचाव और इनको क्योर कैसे किया जाता है इस बारे में बताते हैं। स्टार्टिंग में ये जो ट्रूप्स हैं हमारे, ये अपने नॉर्मल ग्रेडिएंट स्लोप्स में ट्रेन करते हैं विद नो कॉम्बैट लोड। जैसे जैसे हमारा कोर्स प्रोग्रेस करते जाता है तो इनका ग्रेडिएंट स्लोप्स का बढ़ाते हैं, प्लस इनके कॉम्बैट लोड उठाने की क्षमता भी यहाँ पे हम बढ़ाते हैं।